बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के चैप्टर 3 से रिलेटेड एमसीक्यूज किए थे और टोटल 26 एमसीक्यूज थे, तो 23 हमने कर लिए थे, तो इसलिए हम बाकी 23 भी करते हैं। और फर्स्ट 23 भी आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू नंबर 24 से। The deduction देखिएगा स्क्रीन पे। Deduction shall only be against the lease rental income regarding the asset of, कि अगर आपने कोई एसेट लीज पे लिया हुआ है तो डेप्रिसिएशन की जो डिडक्शन है, क्योंकि हमने 23 तक जो हम बात कर रहे थे, 21 से हम स्टार्ट हुए थे, वो तकरीबन डेप्रिसिएशन से रिलेटेड था, तो अभी ये डेप्रिसिएशन पॉइंट है कि अगर आपने एसेट लीज पे लिया तो लीज एसेट की जो डेप्रिसिएशन है तो उसकी डिडक्शन किसको मिलेगी, वो डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करेगा। तो डिडक्शन शैल ओनली बी अगेंस्ट द लीज रेंटल इनकम अगेंस्ट एसेट्स ऑफ अ लीजिंग कंपनी एंड इन्वेस्टमेंट बैंक, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन मुदारबा आर अ शेड्यूल बैंक, और डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव है, क्योंकि आप जब लीज पे एसेट लेते हो तो आप लीजिंग कंपनी से भी ले सकते हो, आप इन्वेस्टमेंट बैंक से भी ले सकते हो, और आप मुदारबा शेड्यूल बैंक से भी ले सकते हो। मतलब ये सारे लीज पे आपको एसेट दे सकते हैं, तो इसका मतलब है अगर इनमें से किसी इदारे को लीज पे एसेट दिया हुआ है तो फिर डिडक्शन जो उनसी है लीज रेंट की, वो इन्हीं को अलाउ होगी। हाँ, अगर इसमें इस एमसीक्यू के अंदर अगर वो किसी ऐसे इदारे का नाम लिख देता है जो लीज पे एसेट नहीं दे रहा, तो फिर आप एमसीक्यू को उसके मुताबिक ही आंसर करोगे कि वो के जी कौन सा इदारा लीज पे एसेट दे के डिडक्शन अलाउ कर सकता है, और ऐसा इदारा आ गया जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो लीज पे एसेट नहीं देता, तो ज़ाहिर है फिर हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। देन एमसीक्यू नंबर 25, विद इन हाउ मेनी डेज अ लिक्विडेटर शैल हैव टू गिव रिटन नोटिस टू द कमिश्नर अबाउट हिज टेकिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, ए ऑप्शन 10 डेज, बी ऑप्शन 14 डेज, सी ऑप्शन 20 डेज, एंड डी ऑप्शन 30 डेज। इसका मतलब समझ लें, लिक्विडेटर जब कंपनी वाइंड अप होती है तो एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसको लिक्विडेटर कहते हैं। ये सारी बातें आपको जनरली पता होंगी एज कॉमर्स स्टूडेंट। तो वो एसेट्स को कंपनी के बेचता है, उस एसेट्स को बेच के जो पैसे आते हैं उसे कंपनी के लाइबिलिटीज़ को पे वगैरह करता है। तो जब कोई लिक्विडेटर किसी कंपनी का अपॉइंट होता है तो उस लिक्विडेटर ने 14 डेज़ के अंदर अंदर कमिश्नर को नोटिस देना होता है कि मैंने प्रॉपर्टी की पोजेशन ले ली और आगे जो भी वर्किंग है वो करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पॉइंट 14 डेज। देन एमसीक्यू नंबर 26, विद इन हाउ मच टाइम द कमिश्नर शैल नोटिफाई बैक द लिक्विडेटर रिगार्डिंग द अमाउंट सफिशिएंट फॉर अ टैक्स ईयर और द अमाउंट पेएबल। कि अब कमिश्नर जो है वो लिक्विडेटर को बताएगा अपनी सारी कैलकुलेशन वगैरह असेसमेंट वगैरह करके कि इस कंपनी के ज़िम्मे जो टैक्स था वो कितना बनता है, कितनी अमाउंट ऑफ टैक्स है जो आपने पे करनी है। क्योंकि देखें, जब लिक्विडेटर कंपनी की लाइबिलिटीज़ को पे करेगा तो भाई उसमें से एक लाइबिलिटी तो टैक्स पेबल भी तो है। तो कमिश्नर उसको रिप्लाई बैक कितनी देर में करेगा, ए ऑप्शन विद इन 1 मंथ, बी ऑप्शन विद इन 2 मंथ, सी ऑप्शन विद इन 3 मंथ, एंड डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, विद इन 3 मंथ्स। इसके बाद 27 एमसीक्यू पे आ जाएं। एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन अलाउंस इज अवेलेबल फॉर इंस्टॉलिंग एनी प्लांट मशीनरी एंड इक्विपमेंट फॉर जनरेशन ऑफ। लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था, अगेन बता रहा हूँ, ये याद कर लीजिएगा। सो डेप्रिसिएशन का सेक्शन 22 है, उसके बाद डेप्रिसिएशन की काइंड्स हैं। इनिशियल डेप्रिसिएशन है, फर्स्ट ईयर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, एक्सेलरेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन है। तो ये डिटेल वगैरह सारी याद कर लीजिएगा सेक्शन 22 और उसी ऑनवर्ड। अच्छा, अब इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें वो कह रहा है एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन जो है वो किसके लिए अवेलेबल है। ए ऑप्शन अल्टरनेट एनर्जी, बी ऑप्शन न्यूक्लियर एनर्जी, सी ऑप्शन कोल एनर्जी, एंड डी ऑप्शन थर्मल एनर्जी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए पॉइंट अल्टरनेट एनर्जी। जब आप सेक्शन 22 से ऑनवर्ड आगे पढ़ेंगे और जब आप एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन या एक्सेलरेटेड अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन की हेडिंग पे आएंगे
तो उसमें आपको ये लफ्ज़ मिलेगा कि एक्सेलेटरी लॉन्स फॉर डेप्रिसिएशन प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट में मिलता है, एट द रेट ऑफ 90% मिलता है। उसकी कुछ कंडीशंस लिखी होंगी, उसमें ये भी होगा कि आपने वो जो प्लांट मशीनरी लगाई है वो किस फील्ड में लगाई है, इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेट एनर्जी। थोड़ा सा मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया, बाकी फर्दर उसको याद कर लीजिएगा। देन MCQ नंबर 28, फॉर वट काइंड ऑफ इनटेंजिबल्स एंड अमोर्टाइजेशन डिडक्शन इज अलाउड टू अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर। ए ऑप्शन, दिस इज होली, दैट इज होली आर पार्टली यूज बाय द पर्सन इन टैक्स ईयर इन ड्राइविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस। के अगर कोई इनटेंजिबल एसेट वगैरह है किसी शख्स के पास, और आपको पता है इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू में जो कमी होती है उसे अमोर्टाइजेशन कहा जाता है। तो अब वो किस किस पे किस किस इनटेंजिबल एसेट पे वो अमोर्टाइजेशन चार्ज कर सकता है, तो उसमें पहला वो कह रहा है कि अगर वो सारे का सारा एसेट या उसका कुछ हिस्सा वो पर्सन अपने बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, बी दैट हैज़ अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ एक्सीडिंग 1 ईयर, सी दैट हैज़ अ नॉर्मल यूजफुल लाइफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, डी बोथ ए एंड बी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए एंड बी। जब आप डेप्रिसिएशन को बाय लॉ में पढ़ेंगे तो उसे नेक्स्ट इसी की डिटेल है, डेप्रिसिएशन का टॉपिक खत्म होने के बाद अमोर्टाइजेशन वगैरह की, तो उसको भी डिटेल से देख लीजिएगा। अच्छा, बहरहाल इसको समझ लें तो आपको क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि ऐसा एसेट जो आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं, चाहे सारे का सारा यूज़ कर रहे हैं उस पार्शली उसको बिजनेस में यूज़ कर रहे हैं और वो इनटेंजिबल एसेट है, तो उस पर आपने लाजमी अमोर्टाइजेशन की डिडक्शन करनी है। अगर सारा एसेट बिजनेस में यूज़ हो रहा है तो सारे एसेट पे आप अमोर्टाइजेशन चार्ज करोगे, अगर पार्शली यूज़ हो रहा है तो उसके हिसाब से आप उसकी रेशियो एडजस्ट कर लोगे, और दूसरा अमोर्टाइजेशन उसी एसेट पे आप चार्ज करोगे जिसकी लाइफ 1 साल से ज़्यादा हो। इसलिए इसकी ऑप्शन जो करेक्ट होगी वो ए एंड बी होगी। देन MCQ नंबर 29, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर आर अलाउड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जो प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं जो बिजनेस के स्टार्ट में एक्सपेंसेस आते हैं, तो वो सेक्शन आपसे पूछ रहा है कि उसका सेक्शन क्या है। ए ऑप्शन 22, बी ऑप्शन सेक्शन 23, सी ऑप्शन सेक्शन 24, डी ऑप्शन सेक्शन 25। तो इसका करेक्ट आंसर डी है, सेक्शन 25, और ये आपने याद भी करना है। आपको लास्ट लेक्चर से मैं कहता आ रहा हूँ कि ये इनकम फ्रॉम सैलरी वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह, सेक्शन 12, उससे पहले सेक्शन 9 से चैप्टर 3 स्टार्ट हुआ, तो ये सारे सेक्शन आपने गो थ्रू करना है। और जो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 25B, 6, 7, 8, 9, तो ये सारे सेक्शंस भी रिवाइज करके जाइए। स्क्रीन पे आपको सेक्शंस की लिस्ट नज़र आ रही है, डेप्रिसिएशन से ऑनवर्ड जो ये टॉपिक्स हैं, इनकम फ्रॉम बिजनेस की अलाउबल डिडक्शन, नॉट अलाउबल डिडक्शंस के हवाले से, बैड डेट्स के हवाले से, प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर के हवाले से, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के हवाले से, ये मैं सेक्शन की लिस्ट दी हुई है, तो लाजमी इनको पढ़ के जाइएगा। ओके, इसके बाद MCQ नंबर 30 है, अ पर्सन शैल बी अलाउड डिडक्शन फॉर ए प्री कमेंसमेंट एक्सपेंडिचर, बी साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, सी एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ही ऑल ऑफ द अबव, कि इन तीनों पे डिडक्शन अलाउ है। डिडक्शन अलाउ ना तो ये आपका एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा, ये आपकी इनकम में से माइनस होगा। अच्छा, इसमें अभी भी देख लीजिएगा, अभी जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, ये सब पॉइंट्स जो सेक्शन में लिखे हैं सब पॉइंट्स उस लिस्ट में शामिल हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। देन MCQ नंबर 31, डिडक्शन शैल बी अलाउड इन केस ऑफ बैड डेट्स, ए पॉइंट, बी पॉइंट, प्रॉफिट ऑन नॉन परफॉर्मिंग डेट्स ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, सी पॉइंट, ट्रांसफर टू पार्टिसिपेटरी रिजर्व, डी पॉइंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव है। तो ये चलें अच्छा हुआ, आपकी आसानी होगी। MCQ नंबर 30 और 31 में तकरीबन उसने वो 6-7 पॉइंट्स फर्दर कवर कर दिए हैं, ये अलग अलग सेक्शंस हैं, अगेन लिस्ट आपके सामने शो हो रही है, तो ये सेक्शन याद कर लीजिएगा, और इन सेक्शंस के नाम ये आपको MCQ नंबर 30, 31 में वैसे नज़र आ रहे हैं। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस का टॉपिक है। देन MCQ नंबर 32, वट टाइप ऑफ मैथड्स ऑफ अकाउंटिंग हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। ए कैश बेसिस अकाउंटिंग, बी
accrual basis accounting, C both A and B, and D none of the above. तो कैश बेस और accrual बेस अकाउंटिंग दोनों के मुताबिक आप अपने टैक्स की कैलकुलेशन को लेकर चल सकते हो, तो दोनों मैथड यूज होते हैं यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी हो। ओके, एमसीक्यू नंबर 33 है नेक्स्ट। सेक्शन 37 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील्स विद ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, बी कैपिटल गेन्स, सी अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, डी कैश बेसिस अकाउंटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है जी बी पॉइंट कैपिटल गेन्स। सेक्शन 37 है इसका और ये उन फाइव हेड्स ऑफ इनकम में से फोर्थ हेड है। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15, इनकम फ्रॉम बिजनेस सेक्शन 18, कैपिटल गेन्स सेक्शन 37 और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज सेक्शन 39। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 34 पे आ जाए। फॉर व्हाट काइंड ऑफ कैपिटल एसेट नो लॉस हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कि वो कौन से कैपिटल एसेट हैं कि अगर आप उनको डिस्पोज ऑफ करते हो, सेल करते हो और लॉस हो जाता है तो लॉ उस लॉस को रिकॉग्नाइज नहीं करता। आप ऐसे कह लें कि वो लॉस आपकी इनकम में से माइनस नहीं हो सकता। तो नीचे लिस्ट दी हुई है, ये सारे नाम याद कर लें। इनमें से किसी भी कैपिटल एसेट का लॉस लॉ रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। अगर ये लॉस होगा तो ये लॉस आपकी इनकम में माइनस नहीं होगा। हमने डिटेल से इसकी डिस्कशन की भी हुई है। कैपिटल गेन्स एमसीक्यू में डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा मैं, तो उसमें आपको ये डिटेल से लेक्चर भी मिल जाएगा। तो ये नाम याद कर लें, इनमें से अगर कोई लॉस होता है तो वो लॉस आपका एडजस्ट नहीं होता। ए पेंटिंग स्कल्पचर ड्राइंग और अदर वर्क ऑफ आर्ट, बी ज्वेलरी, सी अ रेयर मैन्युस्क्रिप्ट फोलियो और बुक, डी अ पोस्टेज स्टैम्प और फर्स्ट डे कवर, ई अ कॉइन मेडेलियन, एफ एन एंटीक, जी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव, कोई भी लॉस रिकॉग्नाइज नहीं होता। और सेक्शन 37 में देख लीजिएगा जरा फर्दर डिटेल। देन एमसीक्यू नंबर 35, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चार्जेबल टैक्स एंड इंक्लूड्स, के इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसका सेक्शन 39 है उसमें क्या कुछ आता है। तो अगेन इसमें भी जो लिस्ट दी हुई है सब इसमें शामिल है। तो ये सारे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मैं पढ़ देता हूँ एक दफ़ा। ए डिविडेंड, बी रॉयल्टी, सी प्रॉफिट ऑन डेट, डी ग्राउंड रेंट, ई रेंट फ्रॉम द सब लीज ऑफ लैंड और बिल्डिंग, एफ इनकम फ्रॉम द लीज ऑफ एनी बिल्डिंग टुगेदर विद प्लांट एंड मशीनरी, जी एनी एनुटी आर पेंशन, एच एनी प्राइज बॉन्ड, आई द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी प्रॉफिट बेनिफिट, एंड जे ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव है। देन एमसीक्यू नंबर 36, एन एग्रीकल्चर इनकम इज व्हाट फॉर्म ऑफ टैक्स अंडर द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001, कि एग्रीकल्चर इनकम की ऑप्शन वो नीचे दे रहा है कि ए ये एग्जेम्प्ट है, बी ये नॉट एग्जेम्प्ट है, सी ये पार्शली एग्जेम्प्ट है और डी नन ऑफ द अबव। तो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। एग्रीकल्चर इनकम की डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। इनकम ड्राइव फ्रॉम लैंड, लैंड इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान एंड लैंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। देन एमसीक्यू नंबर 37, द इनकम ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स इंडिविजुअल्स हैविंग प्रिविलेजेस अंडर द यूनाइटेड नेशंस इज, जी इसमें भी अब ऑप्शन पूछ रहा है कि जो फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं इंडिविजुअल्स हैं यूनाइटेड नेशंस के साथ, अगर हमारी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट को एग्रीमेंट किया है तो उनको क्या प्रिविलेजेस हासिल होंगे उस एग्रीमेंट के तहत। ए उनकी इनकम नॉट एग्जेम्प्ट है, बी एग्जेम्प्ट है, सी पार्शली एग्जेम्प्ट है और डी नन ऑफ द अबव है। तो अगर तो गवर्नमेंट ने कोई एग्रीमेंट किया हुआ है तो फॉरेन डिप्लोमेट्स और इंडिविजुअल्स इनकी जो इनकम होगी वो एग्जेम्प्ट होगी क्योंकि वो पाकिस्तान से जनरेट कर रहे हैं। देन एमसीक्यू नंबर 38, व्हाट कंडीशंस आर अटैच्ड टू द टैक्स एग्जेम्पशन ऑफ सैलरीज ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल, फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल की जो टैक्स एग्जेम्पशन के लिए शराइत है कंडीशंस हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इस एमसीक्यू में जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सारी ही कंडीशंस हैं, ये कंडीशन सारी की सारी पूरी होंगी तो इनकम एग्जेम्प्ट होगी। एक कंडीशन भी इसकी पूरी तो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं होगी। दफ़ा देख लेते हैं जी कंडीशंस कौन सी हैं। ए द एम्प्लॉयज शुड बी सिटीजन ऑफ द फॉरेन कंट्री, बी
और वो किसी जॉब के सिलसिले में ज़ाहिर पाकिस्तान में आया हुआ, ऑफिशियल जॉब के सिलसिले में, जैसे एम्बेसी वगैरह में लोग होते हैं, एम्बेसडर्स होते हैं। बी दे शुड नॉट हैव द सिटीजनशिप ऑफ पाकिस्तान, मतलब उसके पास पाकिस्तान की नेशनैलिटी ना हो या पाकिस्तानी बंदा ना हो। सी सर्विसेज परफॉर्म बाय देम शुड बी सिमिलर टू दोज ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। डी दे आर ग्रांटेड सिमिलर एग्जेम्पशन एज द फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज आर ग्रांटेड इन सच फॉरेन कंट्री। और ई ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारी बातें पूरी होंगी तो जो फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की सैलरी है पाकिस्तान में वो एग्जेम्प्ट होगी। देन एमसीक्यू नंबर 39, व्हाट काइंड ऑफ इनकम इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। तो अगेन ये जितने पॉइंट्स लिखे हुए वही सारे एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट इनकम में आता है, इन सब के नाम भी याद कर लें और इनको एग्जेम्पशंस में रेलिवेंट सेक्शंस में जाके एक दफ़ा गो थ्रू भी कर लीजिएगा। तो पढ़ देता हूँ मैं एक दफ़ा इसको। ए एनी प्रेजिडेंट ऑनर अवार्ड टू अ पर्सन, अगर प्रेजिडेंट किसी को कोई ऑनर या अवार्ड देता है तो एग्जेम्प्ट होगा। बी प्रॉफिट ऑन डेट एग्जेम्प्ट है। सी स्कॉलरशिप एग्जेम्प्ट होगा। डी फेडरल प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट की इनकम एग्जेम्प्ट है। ई फॉरन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एग्जेम्प्ट है। एफ फॉरन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स एग्जेम्प्ट है। और जी ऑल ऑफ द अबव। तो ये सेक्शंस इनकी क्लासेस अगर आपको नज़र आ रही होंगी इनको जाके वहाँ से डिटेल से पढ़ लें इन सब पॉइंट्स की। तो ये सारे एग्जेम्प्ट होते हैं, इनको अलग से भी एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है कि ये क्या चीज़ है। तो इसलिए जो सेक्शन और क्लासेस नज़र आ रही हैं उनको देख लीजिएगा डिटेल से। एमसीक्यू नंबर 40, अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू डिडक्टेबल अलाउंसेस इन अ टैक्स ईयर इन केस ही पेड ए ज़कात, बी वर्कर्स वेलफेयर फंड, सी वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द अबव के जब आपकी इनकम कैलकुलेट होती है तो उसमें से कुछ आपके चीज़ें डिडक्ट होती हैं, इसको हम बोलते हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस। और डिडक्टेबल अलाउंसेस यहाँ पे तीन लिखे हुए हैं, ये तीनों डिडक्टेबल अलाउंसेस ही हैं, ज़कात भी, वर्कर्स वेलफेयर फंड भी, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड भी, इसके अलावा प्रॉफिट ऑन डेट फॉर, अगर आपने प्रॉफिट ऑन डेट पे किया है, प्रॉफिट ऑन डेट फॉर द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या मार्कअप ऑन हाउस फाइनेंसिंग स्कीम या चिल्ड्रन एजुकेशन एक्सपेंडिचर जिसमें सिर्फ ट्यूशन फी है उसका 5%। ये डिटेल भी आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये भी डिडक्टेबल अलाउंसेज है, इनको भी अच्छे तरीके से याद कर लें। तो टोटल 5 है, 3 एमसीक्यू के अंदर है और 2 अलग से आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, ये सारे याद कर लीजिएगा, ये डिडक्टेबल अलाउंसेज ही होते हैं। देन एमसीक्यू नंबर 41, अ पर्सन इज एंटाइटल्ड टू अ क्रेडिट ऑन चैरिटेबल डोनेशंस ही हैज पेड सच डोनेशन टू, के टैक्स क्रेडिट मिलता है आपको पता है डोनेशन के ऊपर, एवरेज रिलीफ भी हम इसको कहते हैं। तो उसकी कंडीशन लिखी हुई है कि कौन सी कंडीशन है, इसका सेक्शन भी आपको नज़र आ रहा है इसको स्क्रीन पे, इन तमाम टैक्स क्रेडिट्स जोन से हैं वो याद कर लीजिएगा। अब उसमें टैक्स क्रेडिट्स में डोनेशन की बात भी आ जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट इन दी पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की बात भी आ जाती है, उसमें इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। अच्छा अब इस एमसीक्यू पे दोबारा आ जाएं, वो यहाँ पे सिर्फ डोनेशन की बात कर रहा है कि डोनेशन कौन सी शरायत है कि वो पूरी होंगी तो डोनेशन वो है आपकी, उस पर आपको कंसेशन या टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ए एनी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश अंडर द फेडरल प्रोविंशियल लॉ, बी एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल और रिलीफ फंड, सी एनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव कि ये तमाम कंडीशंस पूरी होंगी तो ही कोई पर्सन एलिजिबल होगा कि उसके डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट मिले। और बाकी डिटेल मैंने आपको बोला कि सेक्शंस वगैरह रेलिवेंट सेक्शंस आपको जो नज़र आ रहे हैं उनको जाके पढ़ लें कि किस किस चीज़ पे आपको टैक्स क्रेडिट अलाउ है। देन एमसीक्यू नंबर 42, चैप्टर 10 एंड पार्ट 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील्स विद। देखिए यहाँ पे चैप्टर 3 का एमसीक्यू उसने खत्म कर दिया और आपको पता ही है कि आपके सिलेबस के अंदर चैप्टर 10 का पार्ट नंबर 4 भी है, बड़ा थोड़ा सा पोर्शन है वो, इसने उसके एमसीक्यू भी थोड़े से बनाए हैं तो उसको भी देख लीजिएगा चैप्टर 10 और पार्ट 4 को, वो रिकवरी ऑफ टैक्स से रिलेटेड है मेनली। ओके चैप्टर 10 पार्ट 4 ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील्स विद ए कलेक्शन रिकवरी ऑफ टैक्स, बी टैक्स एग्जम्पशन, सी पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस, डी ऑल ऑफ द अबव। तो मैंने अभी आपको बता दिया कि चैप्टर जो 10 है उसका पार्ट 4 जो आपके सिलेबस का हिस्सा है वो कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स को डील करता है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। देन एमसीक्यू नंबर 43, व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, ए 1st जुलाई एवरी ईयर,
बी डेट फॉर फर्निशिंग द टैक्स रिटर्न, सी एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है बी पॉइंट, डेट फॉर फर्निशिंग द रिटर्न। और ये मुख्तलिफ होता है सैलरीड पर्सन के, जैसे नॉर्मल ये 30 सितंबर है और एक्सटेंशन आ जाए तो ये टाइम ज़्यादा भी हो सकता है, मुख्तलिफ कंपनीज के लिए मुख्तलिफ है। एमसीक्यू नंबर 44, हु इज ऑथोराइज टू मेक द रिकवरी ऑफ टैक्स आउट ऑफ प्रॉपर्टी एंड टू अरेस्ट और द टैक्स पेयर, के किस FBR के ऑफिशियल के पास ये अथॉरिटी है कि वो रिकवरी ऑफ टैक्स आपकी प्रॉपर्टी में से कर सके, आपके एसेट में से कर सके, या आपको अरेस्ट करके, टैक्स पेयर को अरेस्ट करके कर सके? ए कमिश्नर, बी डिप्टी कमिश्नर, सी असिस्टेंट कमिश्नर, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये अथॉरिटी कमिश्नर के पास है, तो करेक्ट आंसर इसका ए है। देन MCQ नंबर 45, व्हेन द टैक्स लाइबिलिटी पासिस ऑन द टैक्स पेयर स्टेट, ए इन केस ऑफ डेनियल ऑफ पेमेंट, डिनाई करना मतलब पेमेंट नहीं अगर कोई करता, कोई टैक्स पेयर पेमेंट करने से इनकार कर देता है, बी इन केस ऑफ बैंक्रप्सी, सी इन केस ऑफ डेथ, एंड डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी पॉइंट, इन केस ऑफ बैंक्रप्सी। ओके जी, लास्ट MCQ 46, वेयर अ पर्सन इज लाइकली टू लीव पाकिस्तान ड्यूरिंग द करेंसी या शॉर्टली आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ टैक्स ईयर विद नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग शेल हैव नोटिफाई द कमिश्नर बिफोर लीविंग द कंट्री। अगर कोई शख्स पाकिस्तान परमानेंटली छोड़ के जा रहा है, मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं है वापस आने की, तो उसने छोड़ने से पहले कमिश्नर को इन रिटर्न नोटिस देना है, बल्कि अपनी रिटर्न भी फाइल करनी है, जितनी भी उसकी रिटर्न फाइल करने की जो ड्यूरेशन है वो बनती है, तो कमिश्नर उसको फिर नोटिस भी भेजेगा कि भैया पाकिस्तान लीव करने जा रहे हैं परमानेंटली, तो जितना अर्सा पाकिस्तान रहे उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करके दें। तो इसका आंसर ए ऑप्शन 15 डेज, बी ऑप्शन 20 डेज, सी ऑप्शन 25 डेज, एंड डी ऑप्शन 30 डेज। तो इसका करेक्ट आंसर है जी 15 डेज, ए ऑप्शन। ओके, ये हमने कुछ मेनली प्रैक्टिस की पॉइंट ऑफ व्यू से और इस नज़र से कि चलें, इसके साथ साथ आपको आइडिया हो जाएगा कौन सा सिलेबस आपने दोबारा से रिवाइज करना है, कवर करना है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने ये डिस्कशन की है। और भी MCQs बहुत से बन सकते हैं और आपके पास लाजमी अवेलेबल भी होंगे, उनको अच्छे तरीके से तैयार कर लें। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।